गाइस यहाँ पे हमारा बारबेक्यू रेडी हो रहा है। ओफ क्या व्यू यार। तो ये रहा हमारा बेस कैंप का नजारा। सो गाइस कल रात यहाँ पे बैठ के हम लोग मजा ले रहे थे। ये है यहाँ का रात का नजारा। हेलो एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे 5:30। तो अभी हम लोग बेथर रोड स्टेशन से ये चारों फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं मंदारमुनी। जर्नी का पहला स्टेज ट्रेन से हम लोग जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ट्रेन आने वाला है और यहाँ से हम लोग जाएंगे कृष्णनगर। वहाँ से दोबारा ट्रेन चेंज करके हम लोग पहले पहुँचेंगे सियालदह और उसके बाद सियालदह से हावड़ा। तो गाइस हाय कर दो सबको। हाय। सो गाइस अभी हम लोग सियालदह स्टेशन पहुंच चुके और यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग अच्छी जगह पे जाएंगे। एक फेमस जगह पे जाने की प्लान हो रहा है अभी। तो वहाँ पे जाने के बाद हम सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोपहर का है हमारा ट्रेन हावड़ा से। दोपहर 2:30 बजे के आसपास ट्रेन है हमारा हावड़ा से। तो हावड़ा से हम लोग पहले काथी जाएंगे, उसके बाद जाएंगे मंदारमुनी। सो गाइस सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फ्राइड राइस और चिली चिकन। ठीक है। और ये देखो ठेला गाड़ी कोलकाता का ट्रेडिशनल। अभी हम लोग है डिकास लेन पे और यहाँ पे दोस्त लोग मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एक साथ। सो गाइस अभी हमारे पास टाइम बहुत है, थोड़ा घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं विक्टोरिया के सामने। यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट कर रहे हैं और हमारा ट्रेन है हावड़ा से 2:30 बजे। तो अभी यहाँ पे कुछ फोटो शूट करेंगे, इसके बाद हावड़ा स्टेशन पे जाएंगे। हमारी अर्चना छात्रा गाछी प्लेटफॉर्म पे है हावड़ा से। यहाँ पे हमारा ट्रेन हावड़ा से था, हावड़ा से कैंसिल होने के बाद छात्रा गाछी हम लोग आए हैं। सिस्टम पे दिखा रहा था कि छात्रा गाछी से ट्रेन जाएगा, बट अभी तक ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं है। सुबह 12 बजे से हम लोग 4 बज गए, अभी तक प्लेटफॉर्म पे ही है सब लोग। तो भाई लोग कुछ कहोगे? किधर भेजे भूख लग गया कि यार मोए हो रही है हमारा लग गया मोए मोए हो गया हमारा। सो गाइस रात के 8 बजे हम लोग काथी स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ से अभी हमारा जो पिकअप वैन है उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो वो आगे खड़ा हुआ है, तो पिकअप वैन पे हम लोग बैठ के सीधे जाने वाले कैंप पे। तो कैंप पे जाके देखते हैं वहाँ पे कैसा सीन है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं कैंप पे। वहाँ पे बॉनफायर हो रहा है और कुछ और भी टूरिस्ट लोग वहाँ पे मजे कर रहे हैं। और ये देखो ये है यहाँ का रात का नज़ारा। वहाँ पे जो आप टेंट देख रहे हो वहाँ पे टूरिस्ट आके स्टे कर रहा है और हमारा जो टेंट है वो यहाँ पे है। अभी हम लोग जस्ट आए हैं और उसके बाद ही हमको ये चाय पकौड़ा दिया गया है। अभी हम लोग ये चाय पकौड़ा खाएंगे, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे क्योंकि आज का जर्नी बहुत ही ज़्यादा हुआ है। ये हमारा टेंट है, यहाँ पे हम 4 लोग एक साथ रह सकते हैं। आप एक बार अंदर का स्पेस देखो, कितना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। आराम से हम 4 बंदे रह सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग का व्यवस्था है, सब कुछ है यहाँ पे। बस अभी रात के 10 बजने वाला है और अभी हम लोग बीच पे थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। अभी तो कुछ व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा और वहाँ पे बस आवाज़ आ रही है समुंदर का और यहाँ पे एक नाव है। आपको यहाँ का व्यू मॉर्निंग पे दिखाएंगे। और ये है हमारा कैंप। थोड़ी देर के बाद हम लोग बारबेक्यू डिनर करेंगे, उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे। सुबह आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो वीडियो आज का यही पे एंड कर रहा हूँ। ये रात का व्यू आप एक बार देख लो। और यहाँ पे हमारा बारबेक्यू आ चुका है। यहाँ पे बैठ के हम लोग समुंदर का आवाज़ सुनते सुनते ये बारबेक्यू खाने वाले हैं। टेस्ट को देखा मुझे, तो कैसा है टेस्ट, कैसा है? बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा है। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग डिनर करने वाले हैं यहाँ पे।
द नेक्स्ट डे। ए गाइस, आज है 25 दिसंबर और अभी सुबह के कुछ 10 बजने वाला है। थोड़ी देर पहले हम लोग नींद से उठे, थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट पे हमें दिया गया था पूरी सब्जी। और यहाँ का जो सुबह का व्यू है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो ये जो टेंट देख रहे हो, हम लोग इस टेंट पे है, वो सेकंड टेंट पे हम लोग हैं। और ये है कुछ इस तरह सा नज़ारा। हम लोग थोड़ी देर पहले वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और कल यहाँ पे बॉनफायर हुआ था। तो ये है यहाँ का व्यू और मेरे सामने है समुंदर। तो समुंदर पे थोड़ी देर के बाद जाएंगे और यहाँ पे झूला झूलने के लिए व्यवस्था भी है, ठीक है। सुबह कल रात यहाँ पे बैठ के हम लोग मजा ले रहे थे और आज सुबह इस झूले पे झूल रहे थे हम लोग। तो आगे ना ऐसा कैंप शायद और भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे टूरिस्ट बीच पे जा रहा है, वहाँ पे देख सकते हो। तो शायद आगे भी ऐसा कैंप है। तो इस कैंप का क्या कॉस्ट आया मैं आपको बता रहा हूँ। वो टेंट हमको दिया गया है, उस टेंट के साथ हमें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, एक दिन का टोटल जितना भी मील होता है मील दे के, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। और जब मैं हम लोग यहाँ पे एंट्री किया था तो उस टाइम पे हमें चाय पकौड़ा दिया गया था। तो टोटल कॉस्ट आया था हमारा कुछ लगभग 1700 कॉस्ट आया है यहाँ पे। और इसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ का प्राइस वगैरह जान सकते हो। सो गाइस, ये रहा बुकिंग का नंबर, आप इस नंबर पे कॉल करके बुक कर सकते हो। और ये जगह कुछ इस तरह सा है, यहाँ पे बैठ के लंच डिनर करने का व्यवस्था है। और ये एक बड़ा टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आराम से 10 बंदा रह सकता है। गाइस यहाँ पे बैठ के आप बिंदास ड्रिंक्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और बाहर का क्या सीन है मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर ना यहाँ पे पुलिस भी आता है, ठीक है, वहाँ पे देखो पुलिस आया है बाहर। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो इसीलिए यहाँ पे पैरादारी भी किया जाता है। और बट ये जगह एकदम सेफ है, यहाँ पे बैठ के फुल एंजॉय कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। सो गाइस, अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे आए हैं बीच पे। ये देखो कितना सुंदर है, ये है हमारा कैंप। और यहाँ पे कार्व आपको देखने को मिलेगा, रेड कार्व। और समुंदर यहाँ से बहुत दूर है, सामने ना कार्व पूरा रेड हो चुका है, रेड। शायद कैमरा पे उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना हम लोग जा रहे हैं, और सब कार्व अंदर चला जा रहा है। So guys, अभी हम लोग बीच पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो एकदम समुंदर का लहर हमारे पैर को छू रहा है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये देखो साइड व्यू, ये बीच ना मुझे पसंद इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे पब्लिक थोड़ा कम है, सुनसान जगह है। यहाँ पे आप खुद अकेले मज़ा कर सकते हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसीलिए ये बीच मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पहली बार आ रहा हूँ बंदरमौनी, तो नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। सो गाइस, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे और यहाँ पे हम दोस्त लोग मिल के लंच कर रहे हैं। लंच पे मछली है, सब्जी है, दाल है। खाने का टेस्ट कैसा है? सनसेट होने वाला है, कितना सुंदर लग रहा है देखो। और यहाँ पे भी फोटो शूट होगा। और ये देखो गाइस, अभी हम लोग समुंदर के एकदम पास आ चुके हैं। यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है। और एक चीज आपको दिखाना था, यहाँ पे चांद देखने को आ रहा है और इस साइड पे सूरज। ओफ, क्या व्यू यार। ये बीच बहुत ही सुनसान है, यहाँ पे बस 2-4 टूरिस्ट ही आते हैं। कितना सुंदर व्यू लग रहा है देखो, यहाँ पे अगर ड्रोन शॉट होता ना बहुत ही अच्छा लगता। तो आज ही आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में विश कर देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर एक सुंदर सा व्यू के साथ। वाव, ऑसम लग रहा है, ऑसम लग रहा है। गाइस, अभी 25 दिसंबर का शाम हो गया है और यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे।
अभी यहाँ पे रात का व्यू देखो, आज यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम है क्योंकि सब लोग यहाँ से निकल गए हैं, हम है और वहाँ पे एक फैमिली है। तो यहाँ पे अभी बॉनफायर होने वाला है, रेडी हो रहा है, लकड़ी डाला जा रहा है आग जलाने के लिए। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद हम लोग आग जलाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारा बॉनफायर हो चुका है और हम लोग बैठ के इस गर्मी का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बारबेक्यू चिकन होने वाला है और इसी आग पे बनेगा, फिर हम लोग स्नैक्स पे लेंगे बारबेक्यू चिकन। गाइस अभी यहाँ पे बारबेक्यू रेडी हो चुका है, थोड़ी देर के बाद इसको चखेंगे। और ये देखो ऐसे हो रहा है बारबेक्यू। गाइस अभी रात के 12:30 बजने वाला है और हम लोग अभी जस्ट डिनर कंप्लीट कर चुके हैं। डिनर पे था राइस और चिकन। अभी हम लोग सोने वाले, कल सुबह यहाँ से चेकआउट करने वाले घर की तरफ। कल हमारा सुबह के कुछ 11 बजे के आसपास हमारा ट्रेन है, तो एंजॉय हुआ ना आज। गुड नाइट। द नेक्स्ट डे गाइस, आज है ट्रिप का लास्ट डे और अभी सुबह के 9 बजने वाला है। हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, अभी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चेकआउट करेंगे। सुबह 11 बजे के आसपास ट्रेन है काथी स्टेशन से, तो थोड़ा यहाँ का नज़ारा देख के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हमारा जो पिकअप वैन है वो आने वाला है और एक बार आपको सुबह का व्यू भी दिखा देता हूँ कैसा है यहाँ का सुबह का व्यू। तो कुछ इस तरह से है साइड व्यू। आज समुंदर का पानी बहुत पास आ गया है अभी। सो गाइस, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे उतना शोर शराबा नहीं है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, यहाँ का मज़ा ले सकते हो। एक या दो दिन का ट्रिप अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो बेस्ट रहेगा। ज़्यादा दिन रहोगे तो बोरिंग लगने लगेगा, इसीलिए आप एक दो दिन के लिए कम बजट पे यहाँ पे घूम सकते हो। गाइस हम लोग काथी स्टेशन पे आ चुके हैं, यहाँ से हावड़ा का ट्रेन है थोड़ी देर के बाद और ट्रेन लेके हम लोग जाने वाले हावड़ा। गाइस अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं, ट्रिप हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही शानदार रहा ये ट्रिप। तो कैसे लगा ब्लॉग जरूर कमेंट कर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। लव यू, टेक केयर, बाय।